समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करूं, कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी है ये मूवी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं द रिदम सेक्शन मूवी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है रीड मोरानो ने। इसमें कास्ट है ब्लेक लिवली, एली कर्टिस, रिचर्ड ब्रेक और बाकी अन्य कलाकार। अब कहानी की बात करते हैं। स्टेफनी पैट्रिक जो ऑक्सफोर्ड की टॉपर है, एक दिन उसका परिवार एक हवाई जहाज दुर्घटना में मर जाता है। उसके बाद वो इतनी टूट जाती है कि वो सब कुछ छोड़कर एक जिंदा लाश बनकर प्रोस्टिट्यूशन के काम में आ जाती है और सिर्फ ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। एक दिन उसे एक जर्नलिस्ट आके मिलते हैं जो उसे बताता है कि जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था वो किस हुआ, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं थी उसके अंदर, बल्कि किसी ने जानबूझ के कराया था। एक बम विस्फोट हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक था और वो टेररिस्ट जो है वो आज भी खुलेआम उसी शहर में वो घूम रहा है। जर्नलिस्ट स्टेफनी को बताता है कि मोहम्मद रजाई था वो बम ले जाने वाला उस एरोप्लेन में, जिसकी वजह से वो एरोप्लेन क्रैश हो गई थी और उसके माँ बाप उसी में और उसके भाई बहन जो है वो उसी एरोप्लेन क्रैश में मर गए थे। तो अब स्टेफनी अपने परिवार का बदला लेना चाहती है और मोहम्मद रजा को मार चाहती है और इसमें उसकी हेल्प करता है MI6 से निकाला हुआ एक इंसान जो उसे ट्रेन करता है। और अपने इस मिशन में, अपने इस रिवेंज में स्टेफनी को पता चलता है कि मोहम्मद रजा तो सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा था, असल में U-17 एक नाम का एक इंसान। U-17 नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको भी नहीं पता होता कि U-17 का असली नाम क्या, तो उन्होंने एक कोड यूज़ किया U-17। तो U-17 का कोई इंसान है जिसने ये प्लेन क्रैश करवाया था। और सच में बिल्कुल नॉर्मल से दिखने वाली मूवी धीरे धीरे ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं, ऐसे ऐसे राज के पर्दे खुलते हैं जो मैंने भी कभी नहीं सोचे थे। अब जो इसके अंदर फाइटिंग सीन है जैसे कि चलाने को लेकर, तो ये तो था नहीं कि स्टेफनी ने बहुत ज्यादा सालों तक प्रैक्टिस की। उसको सिखाने वाला जो MI6 से निकाला हुआ इंसान वो इसको सिखाता है, तो काफी सालों से इसको सिखा रहा है और वो एक्सपर्ट बन जाए ऐसा तो था नहीं। हाँ, लेकिन जैसे तैसे अपना काम चलाने के लिए उसे बंदूक चलानी आ जाती है और एक अनाड़ी के आदमी कैसे बंदूक देते हैं और वो कैसे उसका यूज करते हैं ये बखूबी ये मूवी दिखाती है। और इसमें एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन मुझे वो लगा जिसमें कार चेजिंग को लेकर, मतलब स्टेफनी के पास एक कार होती है और उसके पीछे उसको मारने के लिए कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। और अगर एक अनाड़ी आदमी, अगर आप कार दे दोगे और उसके पीछे गुंडे पड़े हैं या फिर उसके पास टेररिस्ट पड़े हैं जो उसको मारना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो कैसे चलाएगा, हड़बड़ा के किसी में कहीं ना कहीं ठोक देंगे या फिर उसे चलाना नहीं आएगा, दिमाग एकदम पागल हो जाएगा। तो वो ही चीजें, वो रियलिस्टिक चीजें इसमें दिखाई गई हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे वही लगी इसमें। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में मूवी निराश भी करती है, जैसे कि कुछ एक प्लानिंग, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लॉजिक तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। वो चीज़ें कब हो गई, कैसे हो गई, इस चीज़ का जवाब तो हमें मिल नहीं पाता। और सबसे ज़्यादा निराश करने वाला सीन जो मुझे वो लगा, U-17 के राज के ऊपर से पर्दा उठता कि U-17 कौन है। तो अगर आप लोगों ने एकदम एक्टिव होके ये मूवी देखी होगी तो आप खुद पहचान जाओगे U-17 कौन है। और हाँ, थोड़ी स्क्रीन प्ले के मामले में ये मूवी आपको कम पसंद आ सकती है, बट इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। मतलब एक थोड़ा बहुत नया एक्सपीरियंस आपको देखने को इसमें मिल सकता है। अगर किसी ने मूवी देख ली है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी। कुछ एक जो ये सीन, आपका फेवरेट सीन इसमें कौन सा रहा, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 स्टार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।